हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अक्खा मसूर का वेज पुलाव, जिसके लिए मैंने एक कटोरी अक्खा मसूर भिगो के लिया है, दो टमाटर बारीक कट किए हैं, चार हरी मिर्ची, आधा कटोरी दही, एक कटोरी हरा धनिया, आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नमक, अचार, लाल मिर्ची पाउडर, दो आलू कट किए हुए, दो प्याज लंबी कट की हुई और आधा किलो चावल लिया है। चलिए, सब में पहले हम कुकर में तेल डालेंगे। देखिए, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें लौंग, काली मिरी, दालचीनी और तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसे हल्की गुलाबी होने तक भूनेंगे। देखिए, प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें कट किया हुआ टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, गरम मसाला, पिसी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अचार डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें आधा कटोरी दही डालेंगे, एक कटोरी अक्खा मसूर और कट किए हुए आलू डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें दो ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें धुले हुए चावल डालेंगे। अब हम इसमें कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसे ढककर तीन सीटी ले लेंगे। देखिए, हमारा अक्खी मसूर का पुलाव पककर तैयार है। आपको मेरी ये सिंपल रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।